Yes, good morning, students. The next numerical or molecular formula is an organic liquid having carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen was found to contain carbon की percentage कितनी given है 41.37, hydrogen 5.75, nitrogen 16.09 एंड रेस्ट ऑक्सीजन. ठीक है, सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर दीजिए, वो परसेंटेज किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की. कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ लिक्विड इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 43.3. यस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाइए बेटा. यस गुरलीन कौर, हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्टेप. मैम, वी विल राइट द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट गिवन. कार्बन इज इक्वल टू 41.37%. राइट. हाइड्रोजन 5.75%. ओके, देन नाइट्रोजन 16.09%. ऑक्सीजन कैलकुलेट कीजिए. 36.99%. 36.79. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. हाइड्रोजन 1. नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14. ऑक्सीजन 16. राइट. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से. 41.37 डिवाइडेड बाय 12, 5.75 डिवाइडेड बाय 1, 16.09 डिवाइडेड बाय 14, देन 36.79 डिवाइडेड बाय 16. यहां पे तो आ जाएगा 5.75. ओके, डिवाइड कीजिए बच्चे. नेक्स्ट स्टेप गौरवदीप. मैम, फर्स्ट का आएगा. यस गौरवदीप. यस मैम, फर्स्ट का 3.45. थर्ड इज 1.14. 1.15 चेक कीजिए बेटा. लास्ट वन इज 2.29. 2.30. द रेशियो इज यस. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर वी विल मेक इट टू सिंपलर फॉर्म द मोलर रेशियो. 5.75 डिवाइडेड बाय 1.15. 1.15 डिवाइडेड बाय 1.15, देन 2.30 डिवाइडेड बाय 1.15. ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा आंसर 3, देन 5, देन 1, देन 2. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा. C3H5NO2. हमें सॉल्व क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नेक्स्ट टर्न है सुवीर दुगल. हम यस, इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. राइट, एंड एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. राइट, तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा. सी हमें ऐसा भी कैलकुलेट करना है. ओके, करिए सॉल्व. C3H5NO2 3 into 12
plus 5 into 1 plus 1 into 14 plus 2 into 16. 36 plus 5 plus 14 plus 32. Yes, Pragnur Kaur Khurana, roll number 59 plus 1 non-medical. Ma'am, yes. Good morning, ma'am. Good morning, Prabhu. Ma'am, here we got the empirical formula mass 87 unified mass. Okay, 87 ho gaya then. Ma'am, uske baad molecular formula, molecular mass upon empirical formula was mass which is 87 upon 87. Molecular mass kiske equal hai 2 into vapor density? Ma'am, yes, 43.3. is equals to 86.6. Okay, 86.6 divided by 87. N की value कितनी होगी बेटे यहाँ पे? Yes. मैम यहाँ पे calculate करना. N one हो गया बेटा? मैम yes. मैम इसके पास हमारे पास empirical formula है C3H5NO2. Molecular formula क्या हो जाएगा बेटा? C3H5NO2. Very good. It means thank you, ma'am. The formula is C3H5NO2. Very good, Pragnur Kaur. NO2. But note kar lijiye. Thank you, ma'am. Now, next numerical, a compound containing sodium, sulfur, hydrogen and oxygen. Sodium ki percentage kitni given hai? 14.28, sulfur 9.92, hydrogen 6.20. Ab yahan pe bhi oxygen ki percentage given nahi hai, to hum calculate kar sakte hain. Then calculate the molecular formula of anhydrous compound. If all the atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water of crystallization, what is the structure of crystalline salt? And molecular mass of salt is 322. Write down this numerical in your notebook. Sodium 14.28, sulfur 9.92, hydrogen 6.20. और हमें solve क्या करना है? Molecular formula. पहले हम molecular formula solve करते हैं, उसके बाद next step देखते हैं क्या होगा. Yes. Krish Kumar, first step बताइए क्या होगा numerical का? Yes ma'am. In the first step we will write all the percentages first. Sodium is equal to 14.28. Wait बेटा जी, sodium Na 14.28, okay? Sulfur 9.92. Right. Hydrogen 6.20. 6.20. Okay. Then oxygen. 14.28 plus 9.92 plus 6.20. 100 में से माइनस कर दीजिए. 30.0 हो गया, 30.304 हो गया. 100 माइनस 30.4 कीजिए, कितना हो जाएगा? 69.60 हो गया यहाँ पे. 69.60. ओके जी, नेक्स्ट स्टेप मास लिखेंगे, एटॉमिक मास. 32
32. Then one. Then 16. Next step, हमें divide करना है. 14.28 divided by 23. 9.92 divided by 32. 6.20 divided by 1. Then 69.60 divided by 16. यहाँ पे तो जाएगा 6.20. ये सचनीत कौर, सचनीत कौर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करवाइए. मैम फॉर सोडियम द मोल्स ऑफ एलिमेंट विल बी 0.62. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट सल्फर 0.31. ओके. ऑक्सीजन 4.35. नेक्स्ट स्टेप सचनीत, simplest molar ratio by 0.31 divided by 0.31, then 6.20 divided by 0.31, then 4.35 divided by 0.31. यहाँ पे तो हो गया 1. अच्छी फर्स्ट में बोलिए कितना होगा. 2. देन हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 40. वेरी गुड बच्चे. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा. Na2SH20O14. Na2SH20 और ऑक्सीजन 14. हमें सॉल्व क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, N. ठीक है, N किसके इक्वल होता है. यस चिराग, चिराग रोल नंबर 8 मेडिकल. हां जी, n इज इक्वल टू मैम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास. वेरी गुड मैम. मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है कितना बच्चे, 322 ग्राम्स. ओके, और हम सॉल्व कर लेंगे अब. मैम ये भी 322 ही है. Na2SH20O14. 2 into 23 plus 1 into 32 plus 20 into 1 plus 14 into 16. हाँ जी सॉल्व. 322 ही है. 46 plus 32 plus 20 plus 224. ओके, और आप कह रहे हैं मैम ये भी कितना आ गया, 322. Am I right, चिराग? Yes, ma'am. Okay. चिराग फिर n की वैल्यू क्या होगी? मैम 1 ही. 1 होगी ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही होगा मैम. राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 इनटू Na2SH20O14. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो गया, Na2SH20O14. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए. स्टेटमेंट में क्या लिखी है, इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब जितने भी इसमें हाइड्रोजन है वो H2O की फॉर्म में प्रेजेंट है. अगर हम H2O सोच लें तो H2O. ठीक है, अब 20 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10. Yes, ma'am. ठीक है ना, अगर ये 10 H2 हो गए, हाइड्रोजन तो 20 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, 14, है ना. यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन कितने, 14. इट मींस यहाँ पे हो गया हमारा Na2SO4. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे कितने है, 10, 10 H2O. तो ये हो गया Na2SO4 10 H2O. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का विद वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, पहले हमारे से पूछा था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस विदाउट वाटर. विदाउट वाटर क्या होगा, Na2SO4. ठीक है, उसके बाद कहा गया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट मींस विद वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, Na2SO4 10 H2O. ओके मैम, नो डाउट Na2SO4 10 H2O डेकाहाइड्रेट
note down. Next topic of your NCERT book is stoichiometry and stoichiometric calculation. What is stoichiometry? Stoichiometry is to measure an element. It deals with the calculation of mass, volume of different reactants and products. अगर हम कोई भी balanced chemical equation लिखते हैं तो हमें क्या क्या information मिल सकती है? एक equation लिखते हैं पहले methane CH4 plus O2 give rise to carbon dioxide plus H2O. ठीक है, जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है तो इक्वेशन को पहले बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2. ये गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है इस इक्वेशन से? रिएक्टेंट्स क्या है? मिथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स. सेकेंड कि प्रोडक्ट कौन से हैं? प्रोडक्ट्स इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. ओके जी, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन से क्या मिल रही है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? मीथेन गैसियस स्टेट में है, O2 गैसियस स्टेट में है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, H2O गैसियस स्टेट में है. तो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे फिजिकल स्टेट क्या है. नाउ थर्ड, अकॉर्डिंग टू this equation, one mole of methane reacts with two moles of oxygen to give one mole of carbon dioxide and two mole of H2O. Next, one molecule of methane react with two molecule of oxygen to give one molecule of carbon dioxide and two molecule of H2O. तो ये हमें सारी information कहाँ से मिल रही है? balanced chemical equation से. अगर हम mass की form में देखें तो यहाँ पे देखिए mass कितना है methane का? CH4, 12 plus 4 is equal to 16 gram. ये 16 gram of methane react with 2 into 32 करे तो ये हो जाएगा 64 gram. React with 64 gram of oxygen to give carbon dioxide 44 gram. और साथ में H2 कितना बन रहा है यहाँ पे? 2 into 18 is equal to 36 gram. 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of H2O. Clear? अब इसी के बेस में हम numericals भी करते हैं. So note down the first numerical. Calculate the amount of H2O produced by the combustion of 16 gram of methane. Calculate amount of water produced by 16 gram of methane. जब भी आपने इन numerical को solve करना है पहले आपने equation लिखनी है और जो भी आप equation लिखोगे उसको balanced form में लिखोगे. Methane, combustion of methane CH4, combustion के लिए O2, give rise to carbon dioxide plus H2O. ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए. यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे भी 2. क्लियर, इक्वेशन तक सबको क्लियर है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O इन ग्राम. आपने H2O का मास अमाउंट कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम. 16 ग्राम मीथेन है और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? यस, एनीवन फ्रॉम द क्लास? अब मास कैलकुलेट कीजिए, इसमें मीथेन का कितना है? यस, गुरशरण कौर. मैम
mass of methane is 16 gram and water will be 36 grams. Okay, very good. 16 ग्राम अगर मीथेन है तो यहाँ पे H2O कितना होगा, मीथेन का वैसे मास हम कैलकुलेट करें 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है 18, 2 इंटू 18 कितना आंसर हो गया 36 ग्राम, तो आपका आंसर क्या है 36 ग्राम. ओके बेटा जी, गुरुशरण. यस मैम. ओके नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन. अब इसमें भी मीथेन की कंबशन ही गिवन है. दिस टू न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, सॉल्ड है आपकी बुक में. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, अब मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं और हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है. मीथेन CH4 प्लस O2, कंबशन के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है आपने देखना है इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या इक्वेशन बैलेंस है. यस गौरव. नो मैम, 2H2O. 2H2O. ओके, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. यस. और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, how many moles of methane? 0.5. yes right. तो हमें यहाँ पे देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है. अगर यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे मिथेन 1 मोल है ना, अभी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही देखिए मिथेन कितना है 1 मोल. कार्बन डाइऑक्साइड हमें ग्राम में चाहिए तो हम इसका मास सॉल्व कर लेते हैं. आप सबको मास तो कैलकुलेट करना आता ही है. कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम. ठीक है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब आप कितने मोल का मीथेन यूज कर रहे हो, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मीथेन. ठीक है, अब अगर 22 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है तो कितने मोल्स मीथेन चाहिए. यस गौरव. 0.5 मोल्स. राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 0.5 मोल. वेरी गुड बेटा, 0.5 मोल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और रिएजेंट. व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन. आपने दो तीन रिएक्टेंट्स लिए, उसमें से जो रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट कर गया रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट. और जो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ, ऐसा पड़ा अभी भी रिएक्शन में थोड़ा बहुत, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट. द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट. नोट ऑन द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट. द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन वो क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और रिएजेंट. एंड द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन वो क्या होते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट्स. डेफिनेशन लिख लीजिए बेटे अपनी नोटबुक पे. नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 reacts with 29 gram of O2 to form H2O, which is limiting reactant. Calculate maximum amount of H2O that can be formed. Third, आपने क्या बताना है, calculate the amount of reactant left unreacted. पहले numerical लिख लीजिए बेटा अपनी notebook पे. थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 और क्या बन जाता है, H2O. आपने बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. सेकंड, आपने बताना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड.
उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप लिखिए मेरे साथ इक्वेशन, फिर हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O. जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है आपने इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रही हूं मैं यहाँ पे 2 into 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम. लेकिन हमें गिवन क्या है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. आपने बताना विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. यस अश्मित अग्रवाल, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. मैम यस यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्शन रिएक्टेंट को हाइड्रोजन होगा. हाइड्रोजन अरे पहले सॉल्व करवाइए. 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन 32 ग्राम राइट. अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 32/4 × 3 ओके 24 ग्राम. हमें रिक्वायरमेंट थी 24 ग्राम ऑक्सीजन की लेकिन यहाँ पे कितनी गिवन है 29. इट मीन एक्सेस हो गया 29. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से, वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यस राइट. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? H2. और एक्सेस में क्या पड़ा हमारे पास? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है बेटा एक्सेस में? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. कितनी? 5 ग्राम. 5 ग्राम. 29 हमें गिवन थी, 24 हमें चाहिए थी, ठीक है. उसमें से ऑक्सीजन तो कितनी अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ी है? 5 ग्राम राइट. थर्ड पार्ट का आंसर भी हो गया. सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड. अब इस इक्वेशन में देखिए अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो H2O कितना? 36 ग्राम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है. अब 3 ग्राम अगर है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गिव यस यहाँ पे कितना H2O बनेगा? 36/4 × 3 = 9. तो यहाँ पे हो गया 27 ग्राम. तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर हो गया 27 ग्राम, ठीक है. फर्स्ट पार्ट विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन, सेकेंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म 27 ग्राम, एंड थर्ड है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. तो आपने कहा कि मैम यहाँ पे 29 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है और सिर्फ उसमें से यूज कितनी हो रही है? 24. तो कितना बच गया वो? 5 ग्राम. ये थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका? 5 ग्राम.